नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। पत्रकार उत्पीड़न के विरोध में बलिया बंद का ऐलान। 16 अप्रैल को बलिया बंद का लिया गया बड़ा फैसला। बलिया बंद कर डीएमएसपी का होगा विरोध। बंदी को अधिवक्ता, छात्र, व्यापारी, सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पत्रकारों के साथ पटरी दुकानदार व अन्य कई संगठन व जनबल का मिला समर्थन। जिला प्रशासन के खिलाफ ऐतिहासिक बंदी की हो रही है तैयारी। पत्रकारों की रिहाई डीएमएसपी की विदाई तक जारी रहेगा पत्रकारों का आंदोलन। जिलाधिकारी बलिया और पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से गलत तरीके से हमारे 3 पत्रकार साथियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी कराई है, उसके खिलाफ हम लोग 30 मार्च से ही लगातार धरना प्रदर्शन अनशन क्रमिक अनशन करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि इस गूंगे बहरे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक हमारी बातें जो गांधीवादी तरीके हैं इनके कानों तक नहीं जा रही है, तो हम लोग बंदी का होता है। हम लोगों ने कल 16 अप्रैल को बलिया बंद का आह्वान किया है। बंदी तो ऐतिहासिक होगा और हमें उम्मीद है कि कल यानी कि 16 अप्रैल को कि कल बलिया के स्थानाशाह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बलिया बागी बलिया के लोग दिखाने का काम करेंगे कि ये बागी बलिया है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती है, यहाँ जो तानाशाह होता है उसको हम लोग बड़े ही बेआबरू करके विदाई देने का काम करते हैं।